जो गाइस आप न्यू के न्यू वाचिंग गेमिंग लैब पर टू तो गाइस आज की स्टोरी होने वाली है। ए गाड़ी स्टार्ट कर। तब मतलब 3-4 महीने पुरानी स्टोरी हो गई है। ये स्टोरी तब की है जब मैं अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलने गया था और एकदम से मैंने एक शॉट मारा बाहर को, मैच जीत गया। मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ अपना। साइड से आती है एक बॉल, एक बच्चे ने फेंकी लेदर बॉल जिससे हम खेल रहे थे और मेरे लगी सीधा नाक पे आके लगे। तो सोचो मैंने क्या करा होगा। मैं रोया नहीं, मेरे आँख में लिटरली आंसू तक आ गए थे, इतनी तेज फेंकी कि जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लिया मैंने। और उसके बाद जो उस बच्चे के साथ हुआ वो बहुत उस बच्चे ने कभी नहीं सोचा होगा। चलो उस बच्चे का आज के लिए नाम देते हैं डिस्कॉर्ड, क्योंकि डिस्कॉर्ड ऐसे मुझे बहुत परेशान करता है। तो जब उस बच्चे ने बॉल फेंकी उसके बाद वो मेरे पास आया, कहते हैं सॉरी भैया, सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने उसका यहाँ से गला पकड़ा, उसको नीचे धकेला और मेरे दोस्त ने की एडवांटेज कर दी थी कि हम जब भी क्रिकेट खेलते हैं रिकॉर्ड करते हैं अपने आप को, जिससे हमें हमारी वो पता चल जाए कि हमारी मिस्टेक्स क्या थी और क्या नहीं करते थे। उसको पता था मैं क्या कर रहा हूँ, उसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। उसके बाद यहाँ से गंद सीधा नीचे ऐसे मेरे हेडफोन मिल चुके, सीधा ऐसे नीचे पटका और 3-4 लाते भरने के बाद, 2-3 थप्पड़ भरने के बाद जब मेरा गुस्सा शांत हुआ अंदर से, तब मेरे मन में चल रहा था क्या करना चाहिए। ऊपर तभी वो बच्चा खड़ा होता है फाइट बैक करने के लिए और तभी पीछे से मुझे एक चैलेंज देता है, भैया दम तो अब मारो। इतने में बाकी साइड के सारे सब बच्चे आ गए थे साइड में और सब चीयर कर रहे थे, भैया भैया मारो ऐसे। वो लेटर ने बच्चा सबको परेशान करता है, मतलब सबको, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे न्यूवन हो चाहे कुछ भी हो, वो सबको परेशान करता है, सबको मारता है। और उसको मारने वाला बस एक था, वो था मैं, क्योंकि वो मुझसे डरता है बस, और अभी भी डरता है ऐसा नहीं है। और अब जो आप मेरे पीछे बैठ रहे हो देख रहे हो, ये मेरे कजन मैकर रूम में अपने नानी के रहा हो। तो उसने फाइट बैक करने के लिए उठा, उसने एक पंच दिया, मैंने डॉट करते हुए ऐसा बैठे हुए डॉट कुछ नहीं हुआ था, उसने पंच दिया मेरे इधर आके लगा, मुझे और गुस्सा चढ़ गया, सीधा मैंने ऐसे गला पकड़ा उसका और ऐसे घुमा के फेंक दिया। एंड बाय द वे नो ऑफेंस टू दैट चाइल्ड, उस 6-7 साल का होगा, उसकी वजह से ज्यादा गलती थी, मेरी गलती कम थी। तो मैंने उसका गला पकड़ के यूं फेंक दिया साइड में, वो झाड़े में जाके गिर गया, इतना हल्का सा बच्चा। और बाय द वे गाइस, अगर आप सोच रहे हो मैंने उसको इतना क्यों पीटा है, एक रीजन की वजह से मेरा हुआ क्या था, जब उसने बॉल फेंकी थी तो मेरे यहाँ से साइड से मेरे नोज की जो बोन थी उसमें काफी चोट आई थी, मतलब मेरी यहाँ से इस वाले साइड से भी, जैसे मैं बेड़ लगता हूँ, मेरे ये वाला पार्ट बोन का ऑलमोस्ट क्रैक कर गया था, मेरी बोन टूट सकती थी। और उसकी वजह से मुझे 1 महीने चश्मा उतार के रहना पड़ा, मेरे पूरे मुंह पे यहाँ पे ऐसे पट्टी लगी थी, उस टाइम मेरा यूट्यूब भी नहीं था। तो मैंने उसका गला पकड़ा, उसको झाड़ी में फेंक दिया, झाड़ी में गिरा, वहां से उठा हुआ भागता आया, मैंने उसको सीधा नाक पे एक पंच दिया। बाद में उस टाइम तक मेरे नाक से खून निकल रहा था, डर के मुझे था बस इस बच्चे को आज पीट रहा है, पीट रहा है, वो गिर गया। फिर मेरे दोस्त का ब्रो चिल आउट चिल आउट, उसने एक प्लान बताया मेरे कान में कि गाय अभी हम उसको पीट लेते, तूने काफी पीट दिया, उसकी घर पे जाके कंप्लेन कर दे तो और खुद पेट की और खुद पेटेगा। और मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा आइडिया लगा, हम उसके घर चले गए। गेस व्हाट, हम उसके घर पे कंप्लेन कर रहे हैं, वो लिफ्ट में यो जुगिंदर तारा भाई जुगिंदर, यो जुगिंदर तारा भाई जुगिंदर करता आया था। तभी उस दिन के बाद मैं तभी सोचने लगी कि जुगिंदर को इतनी फैन फॉलोइंग कहाँ से मिलती है, इन छबरी बच्चों की वजह से, छबरी बच्चों की वजह से। तो वो आया, उसने मुझे घर पे देखा, लाइक भैया क्या हुआ। मेरे दोस्त ने वो वीडियो दिखा दी आंटी को,
आंटी वाज लाइक आंटी को छोड़ गया गुस्सा डू 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 बहुत सारा गुस्सा ऐसा ऐसा नहीं पूरी मतलब लाल हो गए गुस्से से। वो जैसे ही वो बच्चा अपनी दहलीज पे पैर रखता आंटी ने यू उसको खींचा पार्टनर हेड शॉट दे दिया उसके गाल पे और उसके अंत तक मैं वहीं था उन्होंने रियलाइज नहीं करा उन्होंने गेट बंद करा। हम लिटरली वहाँ 5-10 मिनट तक खड़े रहे सॉरी और रोने की आवाज आती रही। मेरा उसी सामने एक दोस्त था उसने बताया लिटरली पूरे 2 घंटे तक आवाज आती रही। मेरे साथ अन्याय हुआ है बेचारा मुझसे भी पिटा अपनी मम्मी से भी पिटा दोनों से पिटा। उसके बाद नेक्स्ट दिन जब वो आया मुझसे मिलने उसके हाथ में 3-4 पट्टियां उसके यहाँ एक पट्टी आई। उसकी मम्मी ने उसको लिटरली बहुत क्रेजी तरीके से पीटा होगा। फिर उसके पापा आए मुझसे बोले बेटा कोई तरीका होता कि आपने उसको इतना पीट दिया। मेरा दोस्त वही था उसने मुझे डिफेंड करने के लिए कहा कि जब इसने मतलब मैंने एक थप्पड़ मार दिया उसको गुस्से में आ गया वो मेरी साइकिल गिराने चला पर वो साइकिल के नीचे खुद ही आ गया और उसको इतने भयंकर वाले लग गए। और उसके बाद मैंने एक और थप्पड़ मार दिया गुस्से में आ गया कि उसने मेरी साइकिल कैसे गिराई। बाय द वे हुआ था बाद में हुआ था जब मैं उसके घर पर कंप्लेंट पहले तो सोच रहे थे चल छोड़ देते बच्चा फिर साइकिल भी गिरा के गया। फिर आ गया मुझे गुस्सा मैं चला गया उसके घर। आई डोंट केयर मुझसे पिटाया ना पिटाओ अपनी मम्मी से पिटाओ ना पिटाओ उसके मैं घर चला गई। ठीक है उसके पापा वहाँ मतलब देख रहे मुझे तो इससे कुछ और कहानी बताई उसके पापा का लिटरली यही रिएक्शन रहा होगा मन में यही सोच रहे होंगे मुझे तो कुछ और बताया यहाँ कुछ और पता चल रहा है। तो जब तक हमने लाइक उसने उस जो मेरा दोस्त है वो बहुत क्लेवर है ऐसा नहीं है अपनी क्लास में बाय द वे टॉप करता है हर चीज में तो उसने फोटो खींच ली उसने फोटो इन द सेंस मतलब वो अपनी दीदी की खींच रहा है उसमें पीछे ऑडियो कैप्चर हो गया उसका और हमने उसके पापा को सुना दिया। बाय द वे यार वो बात की बातें जब मेरे नाक पे लग गई थी फिर थोड़ी सी ठीक होने लग गई थी तब ये कांड हुआ कि उसने मेरी साइकिल गिरा दी। उसके बाद वो मतलब लिटरली व्लॉगिंग करता है वो कभी कभार वो व्लॉग कर रहा था और उसके उसमें कैप्चर हो गई। हमने अब उनको प्रूफ दे दिया कि हमने कुछ नहीं करा फोन उसके हाथ में दे दिया उनके वो तब भी नहीं मान रहे थे उन्होंने व्लॉग देखा उन्हें पता चल गया उसी की गलती है। ठीक है तो फिर घर जा गया और बेचारा और बेटा और नेक्स्ट डे उसके और पट्टियाँ बढ़ गई। तभी इस कहानी से एक सीख मिलती है कि बड़ा से कभी पंगा मत लो अगर पंगा ले रहे हो तो सोच समझ के लेना। और हाँ एक और बात बच्चा मुझसे काफ़ी डरता भी है मेरे सामने आता है तो उल्टा भाग लेता है। तो गाइस ये थी आज की स्टोरी टाइम वीडियो और लिटरली मेरी नाक अभी या अगर आप यहाँ गड्ढा देख पा रहे हो उसी की वजह से हुआ वरना मेरी थोड़ी सी यहाँ से बड़ी थी थोड़ी ऐसी नहीं थोड़ी बड़ी भी सी थी और यहाँ से गड्ढा हो गया और उसी फाइट में मेरी घास चेन पे भी लगी थी और देख सकते हो तो देख लो यहाँ निशान है। तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना एंड हैप्पी रिपब्लिक डे बाय आडियोस अस्ता लुएगो टाटा गुड बाय सब्सक्राइब कर देना यार बहुत मेहनत लगती है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।